अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन, मैं हूँ आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। अभी भी गले में थोड़ी बहुत खराश है, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से मालूम हो ही रहा होगा कि मेरा गला ख़राब हुआ था, इस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी और आप लोगों को मैं सिर्फ रिंग्स की वीडियो ही दिखा रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला काफ़ी बेहतर है, तो आज से इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो रेगुलर आएंगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए पत्थर से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, जो कि हम सब के लिए ही एक नया पत्थर है। वैसे तो ये काफ़ी पुराना है लेकिन हमारे लिए नया है, तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम रोज़ क्वार्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में हो सकता है कि वीडियो देखी हो या नेट पे इसका देखा हो, तो जिन्होंने नहीं देखा उनको आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि रोज़ क्वार्ट्स को पहनने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कौन कौन से अफराद पहन सकते हैं। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं कॉल पर या व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप मुझे सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज भेज सकते हैं। कुछ लोग इसको रोज़ क्वार्ट्स और कुछ इसका रंग गुलाबी होने की वजह से इसको पिंक क्वार्ट्स भी कहते हैं। इस पत्थर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चाइना में होता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत पत्थर है। इसको हीलिंग स्टोन भी कहा जाता है। कुछ माहिरीन का कहना है कि क्रिस्टल स्टोन से ज़्यादा क्वार्ट्स वाले स्टोन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। रोज़ क्वार्ट्स अपनी हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। रोज़ क्वार्ट्स जिसने पहना हो उसकी तरफ दौलत खींची चली आती है, यानी कि इसका शुमार ऐसे पत्थरों में होता है जो दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो लोग बीमार रहते हों ऐसे अफराद के लिए ये एक बेहतरीन दवाई के तौर पर साबित होता है, क्योंकि इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ ठीक होती हैं। इस पत्थर को पहनने से इंसान के दिल में दूसरे इंसानों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होती है। दो मोहब्बत करने वाले अगर इस पत्थर को एक ही वक्त में पहने तो उनके दरमियान मोहब्बत कभी कम नहीं होती। इस पत्थर को पहनने से दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिलता है। इस पत्थर के पहनने से खुद शिनासी पैदा होती है और इंसान के अंदर खुद एतमादी भी पैदा होती है। ये पत्थर जो लोग जनवरी और मई में पैदा होते हैं ऐसे अफराद के लिए सबसे ज़्यादा असरात रखता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाते हुए लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए स्टोन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।